पांच भाई और एक बहन की अनोखी होली। बिहार के एक छोटे से गांव में शांति और उसका परिवार रहता था। शांति के पांच बेटे थे और उसका पति महेंद्र बहुत ही पुराने ख्याल का था। पांच बेटे होने के बावजूद भी उसे अपनी पत्नी से और बेटा ही चाहिए था। शांति एक बार फिर प्रेग्नेंट थी और हर बार की तरह इस बार भी उसे बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, पांच बेटों को जन्म दिया है मैंने और इस बार भी मुझे बेटा ही देना। अगर गलती से भी बेटी हो गई तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी लाज रख लेना भगवान। लेकिन कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी से नहीं डरता है और शांति 9वें महीने बाद एक बेटी को जन्म देती है। ये देखकर महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शांति, तुझे अच्छे से पता है ना कि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए था, फिर तेरी हिम्मत कैसी हुई लड़की को जन्म देने की? देखिए जी, लड़का होगा या लड़की, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, ऐसी बात है, फिर जा और ऊपर जाकर भगवान से पूछ कर आ, उसने तुझे बेटी क्यों दिया। मुझे बेटी से सख्त नफरत है, मैं तुझे ऊपर भेजने के बाद तेरी उस मनहूस बेटी को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इतना बोलकर महेंद्र शांति को मार डालता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो उसी बारिश में शांति की बॉडी को लेकर दफनाने ले जाता है और गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। तभी अचानक से एक जोरदार बिजली उस पेड़ पर आकर गिरती है और उस पेड़ के नीचे खड़ा महेंद्र भी उसी बिजली के चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से शांति की बेटी अपने पांच भाइयों के साथ बड़ी होने लगी। पांचों भाइयों ने मिलकर उसका नाम सलोनी रखा। सलोनी अब 7 साल की हो गई थी और होली का त्योहार भी आने वाला था। भैया, 2 दिन बाद होली है, आप मेरे लिए भी थोड़ा सा गुलाल और पिचकारी ला दीजिए ना। अरे मनहूस, तुझे घर में खाना मिल रहा है वो कम है जो अब हम तेरी फरमाइश भी पूरी करें? आप सही कह रही हो भैया, माँ बाप तो निकल लिए, मुसीबत हम पांचों भाइयों के सर पर छोड़ दिए। एक तो लड़की जात है, ऊपर इसका दहेज का झंझट। और ऐसा क्यों कह रही हो भैया, मैं आप सब पर बोझ हूँ? और नहीं तो क्या, लड़कियाँ बोझ ही होती है और तू भी हमारे लिए बोझ ही है। हमें तुझे खिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भैया, घर का तो सारा काम मैं ही करती हूँ, मैं रोज सबके लिए खाना बनाती हूँ, आपके कपड़े साफ करती हूँ। ये सब तो लड़कियों का ही काम होता है, तो ये सब करके हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है, समझी? अब जल्दी से हमें खाना दे, हमें काम पर जाना है। सलोनी रोते हुए सभी भाइयों को खाना दी और सभी भाई काम पर चले गए और सलोनी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, आपने मुझे क्यों जन्म दिया, काश आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाती, वरना आज मुझे अपने पांचों भाइयों का ताना तो नहीं सुनने को मिलता। ये लोग मुझे बात बात पर मारते हैं और मुझे जरा भी प्यार नहीं करते हैं, इससे तो अच्छा होता मैं इस दुनिया में आती ही नहीं। काफी देर रोने के बाद सलोनी घर का काम करने लगती है। वो पूरे घर की सफाई करती है और फिर अपने भाइयों के कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है। अरे, काम करते करते कैसे दिन निकल गया पता ही नहीं चला, अब जल्दी से थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर खाना बना दूंगी, वैसे भी भैया के आने का समय अब होने ही वाला है। सलोनी दिन वाला बचा हुआ भात लेकर खाने लगती है, तभी उसके पांचों भाई घर आ जाते हैं। अरे मनहूस, जल्दी से हम पांचों के लिए खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना? भैया थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी जल्दी से आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। क्या कहा तूने, तूने अभी तक हमारे लिए खाना नहीं बनाया है और खुद बैठकर आराम से चावल ठोस रही है, नालायक कामचोर कहीं की। भैया, पूरे दिन काम करते करते आज दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, मैं तो सुबह का खाना भी अभी खा रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो हम क्या करें, तुझे तो आज सजा मिलनी ही चाहिए, चल जा छोटे रसोई में से डंडा उठा ला, ये ले खाना नहीं बनाएगी और ले। भैया, इसे तो और मारो ताकि ये फिर कभी हमारे खाने में देरी ना कर सके। उसके बाद उसके सारे भाई मिलकर सलोनी को खूब मारते हैं। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। सलोनी की चीख पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन उसके निर्दयी भैया को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और वे लोग बेरहमी से उसे मारते रहे। आह, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर दर्द से फट रहा है। तो क्या हुआ, जा और अब जाकर खाना बना, समझी, जल्दी कर वरना भी और मारेंगे। सलोनी रोते हुए खाना बनाने लगती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। आह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ।
सलोनी की हालत ऐसी थी कि जिसे देखकर कोई भी इंसान का दिल पिघल जाता, लेकिन उसके पांचों भाइयों के अंदर दिल ही कहाँ था। वो पांचों तो भाई के रूप में जल्लाद थे जल्लाद। सलोनी ने फिर भी जैसे तैसे करके खाना बनाकर सभी को खिलाया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और सलोनी जवान हो गई। सलोनी के साथ के गांव में जितनी भी लड़कियां थी, एक एक करके सभी की शादी हो गई। तभी एक दिन सलोनी की सहेली रिंकी ने उससे पूछा, अरे सलोनी, गांव में जितनी भी लड़कियां थी सभी की शादी हो गई, और देख मैं तो तेरे से छोटी ही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मेरी भी शादी होने वाली है। लेकिन सलोनी, तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी अपने ससुराल? सबके नसीब में सुख नहीं लिखा होता है रिंकी, तू जा अपने ससुराल, वहाँ अच्छे से रहना, मैं शायद जिंदगी भर यही रहूंगी। ऐसे कैसे सलोनी, तू क्या जिंदगी भर अपने जल्लाद जैसे भाई के साथ रहेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मुखिया जी से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी, अब वो ही तुम्हारे भाई से बात करेंगे। रिंकी के कहने पर मुखिया जी सलोनी के भाई को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, तुम्हारी बहन सलोनी इस गांव की बेटी है, अब वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, तुम्हें उनकी शादी करानी होगी। आखिर तुम सब उसके भाई हो और ये तुम्हारा फर्ज है, और मेरी नज़र में एक रिश्ता है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उन्हें दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी लड़की चाहिए। मैं उनसे बात करता हूँ, तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। ये सुनकर सभी भाई आपस में बात करने लगे, अरे इस मनहूस की शादी अब मैं कैसे करवाऊंगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जमीन है, लेकिन उस मनहूस की शादी के लिए हम अपने बाप दादाओं की जमीन को नहीं बेच सकते। इस मनहूस का हमसे तो शादी नहीं हो पाएगा, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तभी उधर से उसका सबसे छोटा भाई भागते हुए आता है, भैया हम बर्बाद हो गए, अब हमारा क्या होगा? अरे बात क्या है, बता तो सही। भैया हम जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई, अब हमारा क्या होगा? सभी भाइयों की नौकरी छूट जाती है और अब उन भाइयों को समझ में नहीं आता कि वे लोग खाएंगे क्या। बचे हुए पैसों से किसी तरह से उनका कुछ दिन गुजर जाता है। पैसे ना होने की वजह से उन लोगों का अत्याचार सलोनी के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है, और वे लोग उस पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। ऐसे ही किसी तरह से कुछ महीने निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी भाइयों को कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। आज 4 दिन हो गए हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। भैया को भी अभी तक कहीं कोई काम भी नहीं मिला। 2 दिन बाद होली का भी त्योहार आने वाला है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। सलोनी को सिलाई आता था, इसलिए उसे एक जगह कपड़े सिलने का काम मिल जाता है। 2 दिन काम करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे सलोनी होली के कुछ गुलाल और थोड़ा चावल और मालपुआ के लिए मैदा लेकर घर जाती है। लेकिन उसके भाइयों को ये सब पता नहीं होता है। होली वाले दिन सलोनी सुबह ही उठकर अपने भाइयों के लिए खाना बनाने लगती है, और उसके पांचों भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है। अब तो हद ही हो गई यार, एक तो बेरोजगारी और ऊपर से भूख, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। चलिए भैया अब घर चलते हैं, वैसे भी आज होली है, अब होली के बाद ही कहीं काम मिल पाएगा। उसके बाद सभी भाई घर आ जाते हैं। आइए भैया, आज होली का त्योहार है, इसलिए मैंने ये थोड़े से मालपुए और चावल बनाए हैं, जल्दी से मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। क्या, तुम्हें ये सब बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिले? भैया मुझे गांव में ही एक सिलाई का काम मिला है। क्या, हमारे होते हुए तू घर से बाहर काम करने जा रही है? तुझे हमारी मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं, जो तू उसे मिट्टी में मिलाने में लगी है? भैया इसकी वजह से हमारी समस्याएं और भी बढ़ती जा रही है, ऊपर से मुखिया इसके शादी के पीछे पड़ गया है, आखिर हम कहां से इसकी शादी का खर्चा उठाएंगे? हाँ भैया, हम इसको अब और नहीं झेल सकते। सलोनी के पांचों भाई कई दिनों के भूखे थे और आज होली भी था। चावल देखकर पांचों भाइयों की भूख और भी बढ़ जाती है। अरे भैया आज तो होली है, चावल के साथ मांस मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे ये है ना हमारे सामने, हमारी मुसीबत की जड़, हम इसी का मांस बना लेते हैं। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या करने जा रहे हैं, मुझे मत मारिए भैया। लेकिन उसके जालिम भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। वो लोग भूख के मारे पागल हो चुके थे और वे लोग मिलकर सलोनी को मार डालते हैं और चावल के साथ पकाकर उसके मांस को खा डालते हैं। शाम को मुखिया जी घर आए तो वो सलोनी को ढूंढने लगे। सलोनी, सलोनी बेटा कहाँ हो? अरे मुखिया जी आप यहाँ, सलोनी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गई? आज तो होली है और वैसे भी वो घर से कभी बाहर नहीं निकलती। ये सुनकर मुखिया जी घर के अंदर घुस गए और देखा कि जमीन पर खून पड़ा है।
खून? अरे कमीनो, तुम लोगों ने क्या किया सलोनी बेटी के साथ? सच सच बता, कहाँ है सलोनी बेटा, जवाब दो। लेकिन उन भाइयों में से कोई भी मुखिया की बातों का जवाब नहीं देता। मुखिया की चुप्पी से परेशान होकर मुखिया जी पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस छानबीन के बाद सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे जल्लादो, कैसे भाई थे तुम? तुम इंसान नहीं राक्षस हो राक्षस। आखिर कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, इस हैवान ने आज भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिससे बहन पर अत्याचार करने वाले हर भाई का रूह कांप उठे। मुखिया जी के बयान पर उन पांचों भाइयों को फांसी की सजा मिलती है और इस तरह पांच भाई और एक बहन की कहानी का अंत हो जाता है। सिंड्रेला का नया रेशमी बाल। एक समय की बात है, एक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी माँ सुमन के संग रहती थी। सुमन बहुत ही गरीब थी और सिंड्रेला उसकी इकलौती बेटी थी और वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए वो इतनी गरीब होने के बाद भी उसने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया और उसे कभी बाहर निकल के काम करने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं लोगों को उसकी बेटी के जादुई रेशमी बालों के बारे में ना पता चल जाए। इसलिए वो सिंड्रेला को कभी बाहर जाने नहीं देती थी और जब भी सुमन बाहर काम करने के लिए जाया करती थी तो वो सिंड्रेला को अंदर ही बंद करके जाया करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद सिंड्रेला घर से बाहर ना चली जाए। इसलिए वो जब भी काम पर जाती तो सिंड्रेला से कह कर जाती थी, सिंड्रेला बेटी, मेरे जाने के बाद तुम घर के अंदर ही रहना, अपने इन जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करके घर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, ठीक है? माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बाहर जाकर सबके संग खेलना कूदना कितना पसंद है। हाँ हाँ बेटी, मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हें मना कर रही हूँ कि मैं जब तक घर वापस ना आ जाऊँ तुम कहीं नहीं जाओगी और अपने घर के अंदर ही चुपचाप रहोगी। और हाँ, आज मैं जब आऊंगी तो तुम्हें चांदनी रात में गाँव घुमाने ले चलूंगी, इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं तुम अपने घर में ही आराम से रहना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। सुमन सिंड्रेला को ऐसा बोलकर अपने काम पर चली जाती है और सिंड्रेला तभी से बैठकर अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। तभी थोड़ी देर बाद सुमन घर वापस आ जाती है, लेकिन सुमन बहुत थकी होती है इसलिए उसका कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा होता। और वहाँ सिंड्रेला कब से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी, इसलिए जब रात हो जाती है तो सिंड्रेला अपनी माँ से कहती है, माँ देखो तो बाहर अंधेरा हो गया है और तारे भी निकल आए हैं, और आपने ही तो कहा था कि आप आज मुझे चांदनी रात में गांव घुमाने ले जाएंगी, तो अब तो रात हो गई है, तो आप मुझे लेकर चलो ना माँ। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बहुत काम करने की वजह से शरीर में बहुत थकान लग रही है और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, जिस वजह से मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुम्हें बाद में घुमाने ले चलूंगी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इतनी परेशानी हो रही है? आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको कब का अपने रेशमी जादुई बालों से ठीक कर दिया होता ना, और आपके पैरों का दर्द भी खत्म हो जाता। इसलिए अब आप आराम से जाकर लेट जाइए, मैं अभी आपकी सारी तकलीफ को दूर कर देती हूँ। सिंड्रेला के ऐसा बोलते ही उसकी माँ जाकर लेट जाती है और सिंड्रेला अपने जादुई रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों की मसाज करती है और वो जैसे ही अपने रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों का मसाज करती है तो उसकी माँ का सारा दर्द और सारी थकान दूर हो जाती है, जिस वजह से उसको बहुत ही अच्छी नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन सुमन जब काम करने के लिए बाहर गई होती है तो यहाँ सिंड्रेला अपने जादुई रेशमी बालों से अपने घर की सफाई कर रही होती है। सिंड्रेला अपना सारा काम खत्म करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। पता नहीं माँ कब आएंगी, वो हमेशा ही ऐसे लेट आती है और मुझे हमेशा बोलकर जाती है कि वो मुझे जल्दी आकर घुमाने ले जाएंगी, लेकिन वो तो
ना कभी खुद जल्दी आकर मुझे घुमाने ले जाती है और ना ही मुझे कहीं बाहर घूमने जाने देती है। बस हमेशा घर में ही बंद करके रखती है, कभी किसी के सामने जाने तक नहीं देती। पर वो मुझे सबके नजरों से छुपा कर क्यों रखती है, ये मुझे समझ नहीं आता। सिंड्रेला ऐसा सोचकर मन ही मन उदास हो जाती है और तभी वो सोचती है, क्यों ना मैं आज खुद ही गाँव घूमने के लिए चली जाऊं। और वैसे भी माँ तो काम करके शाम को घर आती है, तो मेरे पास तो पूरा समय है गाँव घूम कर आने का। तभी सिंड्रेला अपने जादुई रेशमी बालों को लंबा करती है और अपने बालों के सहारे खिड़की से बाहर कूद जाती है। और जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, वैसे ही उसकी माँ आ जाती है और गुस्से से उसे देखती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाती है और उसे घर में ले जाकर कहती है, सिंड्रेला बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, और इन जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था ना। पर माँ, अगर मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से आप मुझे कभी घर से बाहर जाने नहीं देती, हमेशा मुझे घर में ही बंद करके रखती हो। मेरा भी तो मन करता है कि मैं और बच्चों की तरह बाहर जाकर घूमूं, फिरूं, खेलूं, कूदूं, लेकिन आप मुझे कभी बाहर ही नहीं जाने देती। और हमारी ये इतनी गरीबी, जिसे मैं चाहूं तो अपने इन जादुई रेशमी बालों से 2 मिनट में दूर कर दूं, लेकिन आप मुझे ऐसा करने ही नहीं देती। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। सिंड्रेला की ऐसी बात सुनकर सुमन बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जिसे देखकर सिंड्रेला भी उदास हो जाती है और उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगता है। और तभी वो कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका आज बहुत दिल दुखाया है ना, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी, आप बस चुप हो जाइए। सिंड्रेला की बात सुनकर सुमन कहती है, सिंड्रेला बेटी, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करती हूँ। एक समय की बात है, तुम्हारे पापा के पूर्वज कई महान गुरुदेवों की पूजा किया करते थे, जिसके वजह से उन्हें ये वरदान मिला था कि उनकी आने वाली पीढ़ी की हर एक लड़की के ऐसे ही जादुई रेशमी बाल होंगे और वो इन बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करेंगी, ना कि अपनी। तो ऐसे ही कुछ समय पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तो तेरी बुआ सुमित्रा के भी ऐसे ही जादुई रेशमी बाल थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक लालची और घमंडी इंसान से शादी कर ली थी। और जब ये बात तुम्हारी दादी को पता चली तो, अरे सुमित्रा, ये तूने क्या कर दिया, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसने तो तुम्हारे जादुई रेशमी बालों को पाने के लिए तुमसे शादी की है, ये बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। माँ आप ये क्या कह रही हो, अमन ऐसा नहीं है, वो तो एक बहुत अच्छे इंसान है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो ऐसे नहीं है। तभी जब सुमित्रा अपनी माँ को समझा रही होती है, तभी चुपके से अमन उसके जादुई रेशमी बालों को काट देता है। और जैसे ही अमन उसके बालों को काटता है, तभी उसके बालों की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाती हैं। और तभी अमन उससे कहता है, सुमित्रा तेरी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे इन जादुई रेशमी बालों की जरूरत है, जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारे इन जादुई रेशमी बालों की शक्तियों से अपने आप को सबसे शक्तिशाली इंसान बना दूंगा। अमन तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी अमन वहां से सुमित्रा के बालों को अपने हाथों में लिए हुए जाने लगता है। तभी छोटी सी सिंड्रेला खड़ी हुई ये सब देख रही होती है और तभी वो अपने बालों से अमन के गले में फंदा बनाकर उसे वही पंखे पर लटका देती है, जिसकी वजह से अमन की वहीं पर मौत हो जाती है। और सुमित्रा के सारे बाल काट देने की वजह से सुमित्रा की सारी जादुई शक्तियां चली जाती है और वो अब एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगती है। इसी वजह से मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर रखती हूँ, तुम्हें कभी कहीं बाहर नहीं जाने देती, हमेशा तुम्हें इस घर में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ बेटा कि जो तुम्हारी बुआ के साथ हुआ कहीं वो तुम्हारे साथ ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। और बेटी मुझे अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है,
क्योंकि मुझे अमीर बनने का शौक नहीं है। और बेटी, मुझे अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे अमीर बनने का शौक नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने इन बालों का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना करो और हमेशा अपने इन बालों से लोगों की मदद करो। और तुम्हें ही इन बालों की हिफाजत करनी होगी और एक ऐसे लड़के से शादी करना जिसे तुम्हारे बालों की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद सिंड्रेला को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि उसकी माँ उसे घर के अंदर क्यों रखती थी और क्यों लोगों के सामने नहीं जाने देती थी। इसलिए अब सिंड्रेला अपनी माँ की बात सुनकर वैसे ही रहने लग जाती है जैसे उसकी माँ कहती थी। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय के साथ साथ अब सिंड्रेला भी बड़ी हो जाती है। और एक दिन ऐसे ही सुमन को काम पर से आने में लेट हो जाता है और वहाँ सिंड्रेला खिड़की के पास खड़ी हुई उसका इंतजार करती है। और वो कहती है, अरे आज मैं इतनी लेट कैसे हो गई? इतना टाइम तो उन्हें कभी नहीं लगता। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? तभी सिंड्रेला को अपनी माँ की चिंता होने लगती है और वो तभी पहली बार घर से बाहर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर जब वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है तभी उसकी रास्ते में एक करण नाम के लड़के से मुलाकात होती है और वो उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद भी करता है। लेकिन अफसोस, सुमन उसे कहीं नहीं मिलती और वो निराश होकर उस लड़के करण के संग घर वापस आ जाती है। और जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि सुमन घर आ चुकी होती है और वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं कितना डर गई थी और इसी वजह से मैं आपको ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, वो मुझे थोड़ा काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ गया था इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? मेरा नाम करण है आंटी जी और हमारी मुलाकात आज ही हुई है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने काम से कहीं जा रहा था और तभी मेरी मुलाकात सिंड्रेला से हुई। ये बहुत परेशान लग रही थी इसलिए मैं इनकी मदद कर रहा था क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो मेरी बेटी की मदद की, लेकिन तुम अब वापस जा सकते हो। सुमन करण को इस तरह जाने के लिए बोल देती है। तभी करण वहाँ से उस समय चला जाता है लेकिन उसे सिंड्रेला पसंद आ गई थी और वो मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और सिंड्रेला भी उसे अपने इन जादुई रेशमी बालों का सच बता देती है। लेकिन तब भी करण को उससे ही प्यार होता है, उसे उसके बालों का कोई लालच नहीं होता। और जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो उन दोनों की शादी करवा देती है और शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और सिंड्रेला अपने जादुई रेशमी बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लग जाती है। दुष्ट टकली टीचर। मोहनपुर नामक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी। उसके पिता मोहन गांव में ही मजदूरी किया करते थे और रानी अपनी दादी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती और साथ ही पढ़ाई भी करती थी। रानी को पढ़ने में बहुत ही रुचि था और वो पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी। रानी बिटिया, मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा दादी। दादी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप आराम करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। पर बिटिया तेरा तो कल इम्तिहान है ना, तू जा और जाकर पढ़ाई कर। मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। दादी आप अब ये दवाई खाओ और यहाँ लेट जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और आप फिक्र मत करो दादी, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और देखना हर बार की तरह इस बार भी मैं ही पूरी क्लास में फर्स्ट आऊंगी। जुग जुग जियो मेरी पोती,
भगवान तुम्हें जल्द ही कामयाबी दे। रानी बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपना घर का सारा काम भी करती, साथ ही पढ़ाई भी अच्छे से करती। कुछ ही दिनों में स्कूल का रिजल्ट आ जाता है और रानी अपने पूरे क्लास में फर्स्ट आती है। रानी अब नौवीं कक्षा में आ जाती है, तभी उसके स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत टीचर आती है, विनीता। विनीता बला की बहुत ही खूबसूरत थी और उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहे थे। वो जब क्लास में आती है तो उसे देखकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये नई टीचर तो बहुत ही खूबसूरत है। सही कहा, इनके बाल कितने सिल्की और घने हैं, एकदम लुकिंग लाइक अ वाव की तरह। तो बच्चों, मेरा नाम विनीता है और मैं आज से तुम लोगों की नई टीचर हूँ। बाकी अब तुम सारे बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। सभी बच्चे अपना एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तभी विनीता की नज़र एक लड़की के ड्रेस पर जाती है। ये तुम्हारी ड्रेस इतनी गंदी क्यों है? वो टीचर, दरअसल मेरे पास एक ही ड्रेस है, इसलिए मैं पूरे हफ्ते में वीकेंड पर ही ड्रेस धुलती हूँ। और पिछले वीकेंड बहुत ठंड था, बर्फ भी गिरे थे, इसलिए मैं नहीं धुल पाई, पर आगे से मैं साफ ही पहन कर आऊंगी। ये स्कूल है कोई धर्मशाला नहीं कि जैसे मन के उठ कर आ गए। बाहर जाओ और जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती तब तक वहीं खड़ी रहो, समझी? मेरा नाम रानी है। रानी, ये तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? टीचर जी, मुझे बाल बांधने का टाइम नहीं मिला, जल्दबाजी में मैं ऐसे ही आ गई। घर में दादी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। अच्छा, फिर तो तुम्हारी ये तकलीफ दूर करनी ही होगी, इधर आओ। उसके बाद विनीता रानी के बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है। मुझे लंबे बालों से सख्त नफरत है और खुले बाल तो खासकर मुझे नहीं पसंद, इसलिए मेरे क्लास में कोई भी बच्चे खुले बाल में मुझे दिखने नहीं चाहिए। और कोई है जिसके बाल बांधने में परेशानी होती हो? हाँ, तुम भी इधर आओ। विनीता एक एक करके जितनी भी लड़कियों के बाल खुले होते हैं सभी के बाल छोटे कर देती है। सभी बच्चे विनीता के डर से शांत हो जाते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सभी, मेरी क्लास में नो मस्ती और नो एक्सक्यूज, सभी बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। विनीता का ऐसा रूप देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। अरे ये टीचर है या नाई? ये यहाँ आने से पहले क्या किसी नाई की दुकान में काम करती थी? धीरे बोल, अगर मैम ने सुन लिया ना तो इसी कैचे से तेरी जुबान भी काट देगी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं मैम। तभी वहाँ उस स्कूल का हेडमास्टर आता है। तो विनीता जी, बच्चों से मिल लिए, कैसा लगा हमारा स्कूल? बहुत ही सुंदर है, बस कुछ कमियां हैं जिसे मैं जल्दी सुधार दूंगी। आपसे बस यही उम्मीद है विनीता जी, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। तभी हेडमास्टर की नज़र रानी पर जाती है। अरे रानी बेटा, आपके बालों को क्या हुआ? सर, विनीता मैडम ने मेरे साथ कई सारे बच्चों के बाल काट दिए। अरे सर, ये तो मैंने इनकी ही भलाई के लिए किया है, बाल छोटे रहेंगे तभी तो इनको जल्दी से सब समझ में आएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा विनीता जी, इन बच्चों को तो अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, बाल का क्या है, वो तो बाद में भी आ ही जाएंगे। बाल तो बस आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, एकदम लुकिंग लाइक अ वाव की तरह। अगले दिन विनीता क्लास में बैठकर फोन चला रही थी। सभी बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। तभी विनीता सभी बच्चों को कुछ काम देती है। कल सभी बच्चे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिख कर ले आना। पर टीचर जी, आपने तो अभी तक हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, फिर हम ये उत्तर कहाँ से लिखेंगे? सब कुछ मैं ही पढ़ा दूंगी, तो तुम लोग क्या खाक पढ़ोगे? तुम लोगों को घर पर खुद ही पढ़ना है और सारे सवालों का उत्तर भी खुद ही लिख कर लाना है। जिसका काम भी पूरा नहीं हुआ वो याद रखना, मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। उसके बाद छुट्टी हो जाती है। रानी घर आकर घर का सारा काम करने के बाद पूरी रात पढ़ाई करती है और सारे सवालों के जवाब लिखती है। अगली सुबह सभी बच्चे जल्दी स्कूल आ जाते हैं। अरे सोनी, तुमने जवाब लिखा है क्या? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, फिर ये कैसे जवाब लिखूं? ये नई टीचर तो बहुत ही खतरनाक है, एक तो ढंग से कुछ पढ़ाती भी नहीं है, ऊपर से हम ही पर धौंस जमाती है। रानी बहन, तू ही हम सबको बचा सकती है, प्लीज जल्दी से हमें अपना कॉपी दिखा दे। रानी अपना कॉपी सभी बच्चों में बांट देती है और सभी बच्चे जल्दी जल्दी नकल कर सारा जवाब लिख लेते हैं। थोड़ी देर बाद विनीता क्लास में आती है। चलो सभी बच्चे, अपना अपना होमवर्क निकालो। सभी बच्चे अपना अपना नोटबुक विनीता मैडम को देकर आ जाते हैं। वेरी गुड, आज तो सभी बच्चे काम करके लाए हैं। सोनी चलो खड़ी हो जाओ, सेकंड नंबर के प्रश्न का उत्तर बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? वो मैम वो मैंने अपने नोटबुक में लिख रखा है। हाँ, जो नोटबुक में लिखी है उसे ही बोल कर बता दो।
मर गई, अब क्या करूँ, मुझे तो जवाब आता ही नहीं। वो मैम मुझे नहीं पता। नहीं आता, फिर ये जवाब तुमने अपने नोटबुक में कैसे लिखा है? वो मैम मैंने सभी बच्चों की तरह रानी के नोटबुक से जवाब कॉपी किया है। क्या, चलो अभी कभी खड़े हो जाओ सभी, आज तो तुम सबकी खैर नहीं। चलो अब सारे बच्चे ठंड में बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी रहो, यही तुम लोगों की सजा है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं कहाँ से ये मनोज टीचर हमारे स्कूल में आ गई। हमें एक बार इस बारे में हेडमास्टर सर से बात करनी होगी। कोई फायदा नहीं है, तुम सब देखते नहीं हो विनीता मैडम के आते ही कैसे उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हमारे सर। अब तो हो गई हम सबकी पढ़ाई। सही कह रही हो बहन, ये पूरा साल ही बर्बाद हो गया। ऐसे ही सभी बच्चों के दिन कट रहे थे। विनीता के स्कूल आने से कोई भी स्टूडेंट उससे खुश नहीं था। वो बिना गलती के भी स्टूडेंट को सजा देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन विनीता अपने ऑफिस रूम में अकेली बैठी होती है। यहाँ कोई नहीं है, चलो अब जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने सिर के नकली बाल को समय के लिए निकाल लेती हूँ। सिर में इन नकली बालों की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा है। विनीता अपने हाथों से अपने सिर का नकली विग वाला बाल निकाल लेती है। दरअसल विनीता के खूबसूरत दिखने वाले बाल नकली थे, वो बचपन से ही टकली थी। विनीता अपने नकली बाल निकाल कर आराम से बैठी हुई थी, तभी उसके खिड़की के पास सोनी आ जाती है और वो विनीता मैम को टकली देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, ये विनीता मैम के सर को क्या हुआ, इनके सारे बाल कहाँ गए? कितना सुकून मिल रहा है, ये नकली बालों के विग पहनने से सर की तो हालत ही खराब हो जाती है, पता नहीं लोग कैसे इसे पहनकर रह जाते हैं। हाँ, मुझे इस स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं लगने देना है कि मैं टकली हूँ, वरना सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती, मैं खुद का मजाक बनता बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इधर अपने टीचर की ये सारी बातें सोनी सुन लेती है और जल्दी से स्कूल के ग्राउंड में जाकर सभी बच्चों को विनीता के टकले सर के बारे में सबको बता देती है। क्या बात है सोनी, तू तो एक नंबर की न्यूज लेकर आई है, अब हम सबको इस टकली टीचर के कहर से बचने का रास्ता मिल गया। हाँ, अब हम विनीता मैम के टकली सिर का राज सबके सामने ले आएंगे और फिर उसके बाद खुद ही विनीता मैम शर्म के मारे मुंह छुपाकर हमारे गांव से भाग जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम मैम के टकले सर का राज कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। 2 दिन बाद स्कूल में प्रोग्राम है जिसमें विनीता मैम स्टेज पर जाकर सबके सामने भाषण देंगी। उससे पहले कि हमें विनीता मैम के विग के अंदर ऐसा कुछ डालना होगा जिससे मैम अपने सिर को खुजा खुजा कर इतनी पागल हो जाए कि खुद ही सबके सामने अपने सिर का विग उतार कर फेंक देगी। उसके बाद अगले दिन रानी अपने पापा के साथ खेत पर जाती है। अरे बेटा, उस पेड़ को मत छुओ। क्यों पिताजी, ऐसा क्या है इसमें? अरे बेटी, ये कावच का पौधा है, ये अगर तुम्हें शरीर के किसी भी हिस्से में लग गया तो तुम कितना भी कुछ कर लो इसकी खुजलाहट नहीं जाएगी और तुम खुजा खुजा कर पागल हो जाओगी। तब तो ये बिल्कुल काम की चीज है पिताजी। क्या कहा बेटी? कुछ नहीं पिताजी। रानी अपने पिता से छुपकर बहुत ही सावधानी से उसे तोड़कर एक डब्बे में डालकर घर ले आती है और उसे छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। अगले दिन स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, हेडमास्टर जी स्टेज पर भाषण दे रहे थे और इधर विनीता मैम अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी सोनी, रानी और बाकी के बच्चे वो कागज के डब्बे लेकर खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। हेडमास्टर जी अपने भाषण के बाद अब मेरा ही नाम लेने वाले हैं। चलो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए अपने बालों की विग निकाल देती हूँ, वरना ये पसीने के कारण अगर सबके सामने फिसल गई ना तो मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। विनीता जैसे ही अपना बालों का विग निकाल कर बाथरूम जाती है, वैसे ही सोनी और रानी खिड़की से कूद कर जल्दी से विनीता के विग पर वो खुजली वाला कावच लगा देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। कुछ देर बाद विनीता अपना बालों वाला विग पहनकर सबके सामने स्टेज पर आ जाती है और सबके सामने माइक पर भाषण देने लगती है। तभी कुछ ही देर में विनीता के सर पर कावच की वजह से बहुत तेज खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने हाथों से अपने सर को खुजाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे सर में इतनी तेज खुजली क्यों हो रही है, आह ये खुजली। उसके बाद फिर क्या था, विनीता पागलों की तरह अपने दोनों हाथ से सर को खुजाने लगती है। खुजाते खुजाते आखिरकार विनीता के बालों वाली विग निकलकर जमीन पर गिर जाती है और वह टकली हो जाती है। ये देखकर सभी लोग विनीता पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये बाहरों की रानी एकदम से सूखे पतझड़ में कैसे बदल गई? छी, ये अब कितनी बदसूरत लग रही है। हमारी टीचर टकली टकली। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर विनीता वहाँ से चली जाती है और वो उसी दिन उस गांव और स्कूल को छोड़कर शहर चली जाती है
और उस दिन के बाद से वो कभी लौटकर स्कूल तो क्या सोनपुर गांव तक में नहीं आई। और इस तरह गांव के सभी बच्चों को विनीता जैसी दुष्ट टीचर के कहर से छुटकारा मिल गया।